नहीं मेरी माँ जी। सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। आपको नहीं पता मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या होया बहुरानी? अपनी सास से ऐसे बगलगीर होके मिल रही जैसे सास सत्संग से ना वापस आई हो, अगवा होकर वापस आई हो। मेरा मतलब है कि सासू माँ थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई है, और हम दोनों का रिश्ता ही इतना अच्छा है ना माँ? हट पीछे, हमारी लाडली, हमारी बहना। आप कितना रस गई थी तुझे देखने को, अच्छा लग रहे हो कितना अच्छा है। तन्ने में याद को नहीं, हमारे को तो वैसी लग रही है जैसे थोड़ी मोटी हो गई थोड़ी सी हमारी बहन। ये कौन है? है? अरे छोटी हम तो सही सुनिए, इसको तो भूलने की बीमारी हो गई। अरे लाडली हमें ना पहचाना, हम थारी बड़ी बहन धन्नो शन्नो। धन्नो शन्नो हमें ना पहचान रही। माफ कीजिएगा, वो आपने बिल्कुल सही पहचाना था, अम्मा को भूलने की आदत है। अरे तो क्या हो गया, हमारी लाडली सब कुछ भूल सके लेकिन रसगुल्ले ना भूल सके। हाँ। हाँ, वो हाल ही में मुझे किसी ने रसगुल्ले खिलाए थे। तब बेटे ने खिलाए उनके छोटू ने। अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है। छोरो। ए बाबरी छोरी, सास के लिए कुछ पकवान हो जाए। हाँ हाँ बताइए ना क्या खाएंगे आप। मारे से के पूछ रही है, मालकिन तो यो है ना? हाँ हाँ यही है, तो पूछ फिर। अब बताइए ना माजी क्या खाएंगे आप। हाँ क्या खाओगे अम्मा? अरे बोल बोल, जो खाना दिल खोल के बोल। पूरी भाजी। हाँ जो हमारी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, श्रीखंड और पिज्जा, उत्तप्पा। सावित्री जी को उनकी इज्जत और हक वापस दिलवा कर रहेंगे। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है। इंसाफ मिला है एक उम्रदराज दुखियारी औरत को। मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई है। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह, काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। याद आया, रसगुल्ला किसने दिया था? याद आया, याद आया। खैर फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है
सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर, जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है ना, तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा नियत वालों के साथ ना भगवान एकदम साथ चलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। आप देखिएगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। याद आया हमने आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू याद आया, वो पुलिस है। पुलिस कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया। आओ आओ आओ, मैं दिखा दियो। आओ आओ देखो। क्या कह रही थी अम्मा, ये दोनों पुलिस हैं? कौन पुलिस? अरे अम्मा, आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घड़ों मजे किए बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छुटकी को। या अम्मा तुम भी, मेरा मतलब चलो आपको याद आ गया ना, अब ठीक है। लेकिन अब रात बहुत हो गई है, तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, आओ अम्मा। जा छुटकी, सो जा, जा जा आराम से सोना। हाँ बाल बाल बच गए। सही में मैडम सर, अम्मा। अरे नहीं, हम तुमसे यही बोलना, ऐसे ही फोन कर लिए थे हम। हाँ हम तुमसे एक बात बोलना चाह रहे थे। बात ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और आई लव यू। क्या बात कर रही हो अम्मा, तुमको मालूम है ना कि हम नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं हम, नहीं पीते हैं। अरे फिर तुम बोल, पैसा काहे चाहिए होगा हमको? बच्चा जैसे काहे बतियाती हो अम्मा, सब ठीक है ना? ऐसे ही तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किए थे। गाली काहे दे अम्मा? अम्मा हेलो माँ, नहीं ऐसे याद आ रही थी इसलिए फोन की। हाँ वो नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं आ रही, शॉपिंग कहाँ से करूंगी मैं। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी बोलना था, वो शादी की बात पर भड़क गई थी ना, अब कभी नहीं भड़कूंगी पक्का। नहीं बस शादी नहीं करनी अभी मुझे, बस शादी की बात पर भड़कूंगी कभी नहीं मैं। आई लव यू। अम्मी क्या माँ? अम्मी माँ, अम्मी हम कह रहे माँ। माँ की बात तो सुनने दे माँ की। तेरा कौन पे जाऊंगा? हाँ अम्मी हम कह रहे थे माँ। अच्छा अम्मी हम घर ही आते हैं माँ। आज नेटवर्क नहीं माँ। अरे अरे ये क्या चल रहा है सबका? पुष्पा जी पुष्पा जी, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो बिल्लू द स्पाय। अजय को कल अपने माँ से बात करते हुए सबने देख लिया, तो उनको महसूस हुआ कि हम भी अपनी अपनी माँ को फोन कर ले, तो वही चल रहा है। अरे रे, तुम्हें क्या हुआ बिल्लू? तुम क्यों गंगा जमना बहा रहे हो? पुष्पा जी, अपनी माँ का बहुत बुरा बेटा हूँ, मतलब उस अजय से बुरा नहीं हूँ पर हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हाँ? हाँ, मगर एक बात बताओ, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुरे बेटे हो? चोरी करते वक्त
मेरी माँ का कभी फोन नहीं उठाया। जब मुझे लगा कि माँ को फोन करना चाहिए तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, मेरे फोन उठा दे, माँ जेल चली गई। माँ क्या जेल चली गई? ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम इतने भी बड़े चोर कहाँ हो कि तुम्हारा कोई फोन उठाए और जेल चला जाए। नहीं पुष्पा जी, जैसे मैंने फोन किया माँ मेरी बैंक लूट रही थी। क्या? बिल्लू जी, आप तो सच में खानदानी चोर हो। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता, मैं तो स्पाई। मेरी माँ ने मेरा फोन उठाया, मुझसे बातें करती रही, तभी पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार करके जेल ले गई मेरी माँ। हाँ 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 बिल्लू बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अरे वाह, हमें तो आज ही पता चला कि हमारा ये गोलू मोलू टकलू बिल्लू इतना भावुक भी है। चलो भगवान का शुक्र है, तुम लोगों को अपनी माँ की अहमियत का एहसास तो हुआ। और एक हमारा लल्ला है, बाहर गांव गया है मगर अपनी अम्मा को फोन करके एक बार हालचाल तक नहीं पूछा। वो तो माँ पे भी डिपेंड करता है, अपनी बेटे को रखती कैसे। हाँ ये मासूमियत संतू जी। मगर अपनी बीवी से तो रोज बतियाता होगा ना। पुष्पा जी अब बेटा काम में बिजी रहा होगा इसलिए फोन नहीं किया, फ्री होगा तो फोन कर लेगा। हर कोई लल्ला उस अजय जैसा छल्ला नहीं होता। हाँ बिल्लू, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि हमारा लल्ला वैसा नहीं है। मगर ये सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर हमें पक्का यकीन हो गया है कि दुनिया के सारे लल्ला ना एक समय के बाद अपनी माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तो पुष्पा जी, आप वृद्धाश्रम जाने का सोच रही हैं? बेचारे वहां के बुजुर्ग। हाँ उफ, खैर वो सब छोड़ो। चीते सुनो, तुम ना हमारे लिए वो एडवांस बुकिंग करा देना वहां पे वृद्धाश्रम में, हम तुमको पैसे दे देंगे। वैसे भी हमने तय कर लिया है कि हम थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, हमने हमारी एफडी भी तुड़वा ली है इसके चक्कर में। पुष्पा जी, आपको ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। हाँ पुष्पा जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप ये ओल्ड एज पॉलिसी ले लीजिए, ये रहा फॉर्म और यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म मैं भर दूंगा। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो तुम ये फॉर्म? हाँ कभी भी जरूरत लग सकती है ना इसीलिए। अरे तो... नहीं नहीं पुष्पा जी आप अपने थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या है ना कि बगिया में हर एक फूल ना मैला नहीं होता, हर एक प्लास्टिक का बैग थैला नहीं होता और हर एक जयवर्धन महिला नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ पता नहीं कब हमारे जिगर का लला बाहुबली का भल्ला बन जाए। हाँ कोई नहीं बता सकता। अरे लेकिन पुष्पा जी क्या है कि... और वैसे भी चीते तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा मैडम ने तुम्हें वकील बनकर सावित्री के घर में बुलाया ना। अरे हाँ पुलिस, ये लीजिए माँ जी, और पुड़िया लाओ माँ जी। वाह छोटी, कुछ भी बोलो, सारी बहू खाना घना स्वादिष्ट बनाए, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अरे बस कितना पूड़िया खिलाओगी अम्मा को? अम्मा बस, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। खान दे, गांव की मिट्टी है सब पचा लेगी। बहुत शक्ति हो गांव की मिट्टी में छोरे। सच कहना, थारे से मिलके, थारे परिवार से मिलके अब हमको संतुष्टि हो गई है कि तू खुश है। बस अब जल्दी से सब कुछ थारे नाम करे और हम जाए अपनी यात्रा पे सिंगापुर। है चट्टी सिंगापुर? सिंगापुर शनि सिंगापुर की बात कर रही होंगी मासी जी, है ना मासी? रे बावड़ी पूछ, सिंगापुर बोलिए जीजी। ये बाल काले थे, बाल मारे काले थे, लेकिन 20 साल पहले बचपन में। बच
बचपन में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय। जी जी, घबराओ ना, घबराओ ना, ये हमारे वकील साहब, हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना, ला दे पेपर दे। वकील साहब है, पेपर तो जल्दी कर। मेरा नाम शशि भूषण शाही है, हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मटका सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है, हम आपको कार्ड दे रहे हैं। रे छोटी, चल जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने क्या कहा था? क्या किया था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ हाँ, किया था, किया था, किया था। चला आशीर्वाद लेकर आए। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं हैं। नहीं नहीं मैडम सर, आप देखिए, ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पर सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए, घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है, और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई, सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल। अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी देखिए, जो कुछ भी करना है, जिसका भी सिग्नेचर लेना है, आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी, तो लाओ कर दो साइन। फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे, ये बात, मारा दिल खुश कर दिया, जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई जल्दी जल्दी साइन करो, क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? इससे जल्दी तो सावित्री साइन कर दियो। छोटी मैं बहुत जल्दी जल्दी साइन कर रहा हूँ। गुड बॉय। हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस। हाँ हम पुलिस हैं। तो
ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माजी वाह, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। अमाओ एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ, हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम। हाथ छोड़। छोटू हाथ दुख रहा है, छोड़। रीता चतुर्वेदी सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू चलो हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना, हाथ छोड़। करिश्मा सिंह ये क्या कर रही है, होश में आइए। दोस्त कहीं और जमाइएगा। करिश्मा सिंह छोड़िए, हमारा घर है। हां छोड़ो, छोड़िए, नहीं छोड़िए, हमारा घर है।